मेरा नाम डॉक्टर केयूर बुच, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद इंडिया। हमारा 25 साल से भी ज़्यादा तजुर्बा ऑर्थोपेडिक सर्जरी, नी और शोल्डर, घुटनों और कंधों की बीमारी के ट्रीटमेंट में रहा है, लंदन, यूके, अमेरिका और भारत में बेंगलोर, मुंबई और अहमदाबाद में। घुटनों और कंधों की बीमारी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। यंग एज में स्पोर्ट्स इंजरी से, गद्दी फटने से या तो लिगामेंट को डैमेज होने से हो सकती है, तो उसमें हम जॉइंट की कार्टिलेज को भी रिप्लेस करके एडवांस ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी, और दूरबीन डाल के लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन नी जॉइंट में या तो शोल्डर डिसलोकेशन में उसके लिगामेंट को रिपेयर करके वापस शोल्डर को स्टेबिलाइज परमानेंटली करते हैं। उम्र बढ़ने पर जब आर्थराइटिस पे गद्दी घिस जाती है और नी जॉइंट के अंदर हड्डी से हड्डी घिसती है तब ज़्यादा दर्द होता है, तो इसके लिए शुरुआत में दवाई और फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट होती है। उससे अगर बेनिफिट नहीं होता है तो एडवांस इंजेक्शन ट्रीटमेंट या तो एडवांस ब्रेसिंग सपोर्ट सिस्टम से भी आपके नी जॉइंट को काफ़ी तरह रिलीफ दी जा सकती है, और अगर उससे अच्छा नहीं होता है तो नी रिप्लेसमेंट, जिसमें पार्शियल या तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, और यंग आर्थराइटिस पेशेंट्स में हम कार्टिलेज रिप्लेसमेंट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं जो बहुत कम जगह पे अवेलेबल है। उम्र बढ़ने पे शोल्डर के अंदर फ्रोजन शोल्डर या तो मसल फट जाना या तो मसल का हड्डी के सामने दब जाना, ये सब कंडीशन के लिए दूरबीन डाल के हम स्पेशल ट्रीटमेंट करके क्विक रिकवरी प्रोवाइड करते हैं, जिससे पेशेंट काफ़ी जल्दी से अपने काम पर जा सके और उनका दर्द कम हो जा सके। नी रिप्लेसमेंट में हम एडवांस टेक्निक यूज़ करके मसल को प्रिजर्व करते हैं, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट होती है और आपके नए जॉइंट पे कम प्रेशर आने से वो जॉइंट लंबे उम्र तक चलने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के लिए आप सिम्स हॉस्पिटल ज़रूर आइएगा, वहाँ हम एथिकल ट्रीटमेंट और अप्रोच से आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारे ऑपरेशन थिएटर अत्याधुनिक इन्फेक्शन कम से कम रिस्क हो ऐसी फैसिलिटी वाले, वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग थिएटर्स वर्ल्ड में माने जाते हैं, वो फैसिलिटी से हम हर एक पेशेंट की ज़रूर होने पर ऑपरेशन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं।